ग्वालियर जिले के डबरा सिविल अस्पताल में सोमवार की शाम कांग्रेस विधायक सुरेश राजे पहुंचे, जहां अस्पताल में पसरी गंदगी और अव्यवस्था पर उन्होंने नाराजगी जताई। डबरा का सिविल अस्पताल शुरू से ही अव्यवस्थाओं के चलते सुर्खियों में रहा है। यहां तक कि वरिष्ठ अधिकारियों की फटकार के बाद भी अस्पताल प्रबंधन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात खोड़न गाँव में आकाशीय बिजली गिरने से गाँव के कई लोग झुलस गए थे, जिसमें से 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल थी, जिन्हें सिविल अस्पताल डबरा भर्ती कराया गया। दिन रात में देखने स्थानीय विधायक सुरेश राजे पहुंचे, जहां मरीज बाहर परिसर में बैठे हुए दिखे और परिजन उनको अपने हाथों से हवा हर करते नजर आए। जिसे देख विधायक ने बाहर बैठने का कारण पूछा तो पता चला कि अंदर कूलर खराब है और अस्पताल में गंदगी और एक भी बेड पर चादर नहीं है। विधायक ने अंदर जाकर देखा तो बात सही थी, जिसे देखकर विधायक गुस्से में नजर आए और SDM प्रदीप शर्मा को सूचना दी। तुरंत SDM भी मौके पर पहुंचे और अस्पताल का भ्रमण किया तो वास्तविकता में अव्यवस्थाएं नजर आई। जब इसकी सूचना BMO अरविंद शर्मा को की गई तो उनका मोबाइल ही बंद मिला। विधायक सुरेश राजे ने कहा कि कई बार सिविल हॉस्पिटल की शिकायतें मिलती है, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। हॉस्पिटल इसका नाम है, आप देखिए, आप चलो अंदर दुर्दशा देखो हॉस्पिटल की, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हालत है। एक चद्दर तक नहीं मिलेगा आपको, 4 पलंग डले, एक चद्दर तक नहीं है उसमें। गंदगी का ये आलम है कि बीमार नहीं होने वाला आदमी बीमार हो जाएगा। निश्चित रूप से उसमें भी कमियां दिखी थी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने की ही ये स्थिति है कि उस पर कोई अमल नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जिम्मेवार व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी से लापरवाह है और इस बार निश्चित रूप से उन अगर सक्षम अधिकारी कोई भी हो, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो मैं आगे जो भी कदम हम उठा सकते हैं वो उठाएंगे। हाँ नहीं है ना, मैं कम से कम, मेरे को जहाँ लगभग 1 घंटा होने जा रहा है, लेकिन SDM साहब जैसे सक्षम व्यक्ति, मतलब सक्षम अधिकारी चल के आ गए। ये BMO का यहाँ कोई अता पता नहीं है, न BMO साहब का यहाँ कोई वो है। और ये सारी की सारी जिम्मेवारी हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं कैसी हैं, आप सक्षम अधिकारी हो तो ये आपको देखना चाहिए कि आपका नीचे का अमला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर सारी चीज़ें होते हुए आप उपलब्ध नहीं करा सकते, ये संभव है क्या कि एक हॉस्पिटल में 4 चद्दर नहीं हो? ये संभव है क्या एक सिविल हॉस्पिटल में 2 कूलर से ठीक नहीं हो सकते? बोला था कूलर की उपलब्धता है, उन्होंने कहा अभी तो नहीं है, सुबह करा दें, सुबह हम उन्हें उपलब्ध करा देंगे। BMO साहब अभी कॉल लगाया था, उनको कॉल लगा नहीं था, बेडों पे चादर नहीं है, तो बात करेंगे व्यवस्थाओं के विषय में। हाँ हॉस्पिटल में लगातार इसके निगरानी करेंगे, पहले पिछले समय हम लोग निगरानी करते थे, एक अधिकारी की ड्यूटी भी लगाते थे, स्वयं हम लोग भी उस समय 1 घंटे इसका निरीक्षण करते थे, देखते थे। फिलहाल देखना होगा कि विधायक सुरेश राजे की नाराजगी के बाद सिविल अस्पताल की व्यवस्था में सुधार होता है या नहीं। डबरा से इमरान खान की रिपोर्ट।